हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? तू तो बिल्कुल चमक भी नहीं रही। अच्छा, मैंने गोगल पहन रखे ना। एक ये भी है हमारे साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। ठीक है, ये इसका व्लॉग नहीं है, मेरा व्लॉग है। आज व्लॉग ही बनाया करना। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ एंड। बताया तो है नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या करने है? ये इनके घर में पानी नहीं आता ना, तो ये वहीं से नहा आते हैं। ये इधर इधर भी कुछ पैसेंजर है हमारे साथ। हेलो भाई साहब, ओ भाई, एक इधर है, एक इधर। ये दोनों इसकी बहन है, पिंकी वर्मा की। पिंकी, रिंकी और बाबू, ठीक है। और इधर मैं हूँ क्योर सा। तो अब जा रहे हैं हमारी गाड़ी का, मतलब कौन सी गाड़ी है, इधर तुम सहारनपुर पैसेंजर है। अब जाएगी कितने बजे, अभी तो बहुत टाइम है, 17 मिनट है। चलो जब डिपार्चर होता है तब मिलते हैं। टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस, ये हाल ही में चली है ट्रेन, और क्या हालत कर दी लोगों ने इसकी, देख नहीं पेंगी भाई। पूरी न्यू ट्रेन चलाई दी है, पूरे न्यू कोस्टेस के, और लोगों ने इसका मचा दिया हाल। ये हफ्ते में एक बार चलती है। पूरे पूरे अपने टाइम पे चली। क्या बात है भाई, अच्छा एक्सीलेटर एक्सीलेट कर लिया गाड़ी ने, सही है हमको। ये पुरानी बिल्डिंग है, बाय बाय देहरादून, शाम को मिलते हैं दोबारा। आप लगी ना धूप का पता असली। कितना घना जंगल है ना। अच्छा है, ऐसे जंगल में अपना वो जाओ। ये पक्का अमृतसर देहरादून होगी पक्का। ये कहा था ना अमृतसर देहरादून है, ये हमारी ट्रेन का वेट कर रही होगी क्योंकि सिंगल लाइन है। सिंगल, हाँ, तो पहले ये जाएगी तब आएगी। कंसराव रेलवे स्टेशन, अच्छी है देहरादून हावड़ा स्पेशल। देख भी कि पूरी की पूरी ट्रेन खाली जा रही है क्योंकि स्पेशल है ना ये।
स्पेशल ट्रेन। बाय बाय ट्रेन। आज गए आज हरिद्वार, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे। इसका मुझे भी कितना काला है गाइस, मेरा टैनिंग हो गई है। टैनिंग नहीं, काला ही है बचपन से। टैनिंग हो गई है, धूप में घूम के आपको पता नहीं। इसका ठीक है, अच्छा इससे ठीक तो मेरा फेस है नेचुरल है। आप खुद डिफरेंस लगा लीजिए गाइस, ठीक है। बड़ा आया। चलो यार पहुंच गया हरिद्वार। बांद्रा आ वीडियो गाइस, हम पहुंच गए हरिद्वार। अब हम जा रहे हैं बाहर। हमारी गाड़ी ने पूरे पूरे 2 घंटे लगाए, जबकि इसका टाइम था 1 घंटा 45 मिनट। लेट हो गई थी। अब जाना इधर बाहर। मुंह से बड़ा चश्मा ये ओ मुंह से बड़ा मुंह क्या था, मेंढक क्या था वही, कैसा मुंह है पिंकी सही बता दे उसका मुंह बता ना पिंकी यार। हाँ ये उसने बता दिया। इधर उधर दोबारा के रेलवे स्टेशन देखो। तो हम जा रहे हैं, चलो भाई ये तो डर रहा है बेचारे, पहली बार आए ना ये चश्मे वाली पहली बार है एस्केलेटर पे। बस देख रहा वो बेचारी छोटी बच्ची बिठा कह रही यहाँ रखो बेबी बहन, यहाँ रखो बेबी। तू सिखा रही, तू वो सिखा रही है तेरे को। कौन सिखा रहा है भाई? तो आप देख सकते हो सामने भोले बाबा की मूर्ति को। इधर ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल पूरा मंदिर के टाइप का बना हुआ है, क्योंकि ये हिंदू भाई लोगों का वो है ना, यहाँ पर सब आते हैं पूजा वूजा करने के लिए। तो अभी जा रहे हैं हम, इन लोगों को नहाना है, मैं तो नहीं नहाऊँगा क्योंकि मैं तब नहा कर आया हूँ पहले से। ये लोग नहाएंगे। इधर भी है, इधर बड़ी मूर्ति है, ये देखो कहाँ गए लोग। चलो मिलते हैं भी आकर नदी के पास। तो गाइस बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो गई मेरी। इसका तो देखो मेकअप उतर गया सारा, मैंने मेकअप कर रही था गाइस, लेकिन चमक रहा था। फालतू में आज संडे भी है गाइस और इतना क्राउड है ना, इतना क्राउड है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि संडे को मत आना कभी हरिद्वार, बहुत बहुत ज्यादा है। हरिद्वार नहीं, हर जगह कहीं भी संडे में मत जाओ, क्योंकि जो टूरिस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ क्योंकि यहाँ के लोग आते हैं ना। इधर यहाँ मार्केट है, आइए मेरे को कुछ दिलाने वाली है। हाँ ले लियो, तुझे क्या चाहिए गाइस? पे निक्कर की बहुत कमी रहती है। हाँ ये मुझे निक्कर दिलवा रही है 2-3, वो भी माचो के। माचो बस ये एक माचो ही पहनना। हाँ माच भाई माचो इज बेस्ट, क्योंकि जोगी जोगी का जिलाने के लिए तेरी औकात नहीं है। पहनने की औकात बहुत है, पहनने की औकात औकात इतनी है, बहुत महंगा पहन सकता हूँ। आज मेरे को निक्कर दिला रही है नहीं। इधर देखो यार ये सही बात है, खाने की चीज रखी है यार, ले ले यार। 250 रुपए सेल, 450 है, 250 भी है, 450। मेरे को लगता है वहाँ पहुँचते नदी के पास मेरा हालत खराब। गंगा जी। कौन? गंगा जी। प्रणाम करो। मुझे प्रणाम करो। चल कर रही नहीं, कर रही कर रही। यार एक बैग दिला दे लड़के वाले लेगा। वो नहीं, वो छोटे वाले लड़के वाले छोटे वाले साले।
छोटे वाले, छोटे वाले यार। मुझे पता था तुम्हें लड़की वाले घोड़े थे, लड़की वाले बैग चाहिए यार। छोटे वाले बैग नहीं दिला रहे पिंकी, इसका इंटरेस्ट लड़कियों में आ रहा है, ये बोल रहा है लड़की वाला बैग दे। इंटरेस्ट में आएगा ना लड़कियों में, आएगा ना इंटरेस्ट लड़कों में। तेरा लड़कियों में तेरा मैं को लेकर आया। ये मेंढक देखो कितनी भीड़ है, मुझे लग रहा है पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। मेंढू टेम्पू क्यों ले गए यहाँ पे, मुझे थोड़ी पता था। चलो कोई नहीं पहुंच जाएंगे। कितने नाने आए भाई, इतनी भीड़। भाई बहुत गर्मी हो रही है तो यार, तो ये अगर इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इन्हें नहाना है यहाँ पर, इन चारों को इतनी ज़्यादा भीड़ में। भाई जल्दी चलो यार, चलो यार इनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। चलो यार बहुत गर्मी हो रही है। ओए जाओ भाई जल्दी ना कराओ। ओए प्रियंका जा, नहीं ना पन्निया पानी का बहाव बहुत तेज ही है। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। अभी ये मुझे मंदिर लेके जा रही है, मतलब ये लोग जाएंगे मैं तो बाहर बैठ जाऊँगा नीचे, नीचे बैठ के आराम से खाऊँगा पीऊँगा। जब ये लोग आएंगे ना तब इनका हालत दिखाऊँगा। अभी तो ये छोड़ यार, टेम्परेचर कितना हो रहा होगा। चलो यार चलते हैं आगे, देखते हैं ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊंगा, ये लोग जाएंगे। चंडी देवी अभी से हमारी ऐसी हालत खराब हो रही है, कैसे चढ़ेंगे इतना ऊपर। और ये देखो और अभी दो तो बज गए हैं, पता नहीं कब तक हम पहुंचेंगे। और ऊपर से हमारी 5 बजे की ट्रेन है, अब पता नहीं हम पहुंच पाएंगे भी नीचे या नहीं पहुंच पाएंगे, देखते हैं। चलो सो फाइनली गाइस, 1 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं इतनी बुरी हालत में, पसीना ही पसीना हो गया। चलो अब दर्शन कर लेते हैं फिर मिलते हैं बाद में। वाह यार कितना सुंदर व्यू है, यहाँ से पूरी रिवर दिख रही है दूर तक, जहाँ तक देखूँगा वहाँ तक रिवर रिवर हो, बहुत सुंदर लग रहा है। एक मंदिर वहाँ सामने। बस अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं, यानी कब आएगी। थोड़ी लेट हो गई, 5:45 पाएगी, 5:25 का टाइम था। बस फिर चलते हैं। और तो कुछ नहीं है, बस खाली पड़ा है रेलवे स्टेशन। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो में कुछ अच्छा हो लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय।